अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए ईडी ईडी का रेड कई जगहों पर हुआ और ये जानकारी दी जा रही है कि 600 करोड़ और तेजस्वी के यहाँ से खजाना जो है वो मिला है। जिस दिन सरकार बनी उस दिन भी छापे पड़े थे। क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की जरूरत है। जिस दिन सरकार बनी ट्रस्ट वोट था उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,00,000 करोड़ या 2017 चलिए 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां इनकम टैक्स ईडी सीबीआई सारी जांच संस्थाने लग गए। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहां गया वो संपत्ति, कहां गए वो 1,000 करोड़ों। कौन लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता था फिर, मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ से, ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दे। बदनाम करने की राजनीति हद होती है, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में है भी नहीं उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं पूरे तरीके से फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं हैं। इनकी षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है और जमीर मेरे पास है और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए, मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है, उनके हाथ का कंगन, कान का, पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है। बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ बहन भाभी सब रहता होगा क्या, वो कान में नहीं पहनती है। अब 4-5 जगह मारिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला, इतना किलो सोना मिला। अरे भाई, मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई और ज़्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा, ज़्यादातर बहनें वो थी जो 2012 के बाद भी आई, यानी रेलवे टर्म से किसी को लेना देना नहीं,
लालू जी 2004 से 9 तक ज्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है चौथे नंबर की, पांचवी नंबर की, छठी नंबर की, सातवीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जा करके अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझे 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1-2 लाख भी मिलेगा, तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज्यादा तो गिरिराज सिंह जी क्या, जो चोरी हुआ था उससे ज्यादा पैसा तो वहां था, करोड़ों की रकम में। तो इस तरह का भयावक न्यूज प्रोपेगेंडा से फिसने चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, इनको जो करना है कहना है ये करते रहे। इसलिए हम लोग यहाँ वापस पटना अभी हम लौटे हैं, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं मेरी जो धर्म पत्नी है, आखिरी महीना चल रहा है और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका खत्म हो गया, बाकी सारा टाइम ये बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, अब क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फोन आ जाएगा तो चले जाएंगे, बैठने के लिए कहा गया ताकि न्यूज चलता रहे। अब आप बताइए ये स्थिति है, अब इस पे हम क्या कहें? न्यूज लोगों, कुछ लोग तो अलग ही हेडलाइन चलाते हैं। देश विदेश पूर्वांचल अवधि की प्रमुख खबरों के लिए अखंड दर्पण न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।